कंफ्यूज होंगे कि इतना सन्नाटा मेरे पीछे क्यों, इतनी बड़ी जंगल क्यों है मेरे पीछे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल चिड़ियाघर आ चुका हूं, जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के नाम से प्रचलित है। हम है और मेरे साथ में मेरा फ्रेंड है निरंजन, तो यही मैं आज आप लोग को पूरा दिखाऊंगा, पूरा नहीं सॉरी थोड़ा थोड़ा, जहाँ जहाँ या इसमें जितना भी जानवर और है कुछ भी अगर मुझे दिखेगा तो मैं आप लोग को वो दिखाऊंगा सिर्फ। और इसमें जो है ना वीडियो बनाना चालू है, फिर भी आज हम लोग माइक और ट्राइपॉड और नहीं ला पाए, तो ऐसे ही हाथ से बना रहा हूँ। कोई छाया देखा, देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाओ मगरमच्छ, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हमको मगरमच्छ दिखा है, रियल से कसम से बोल रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो धाता पे है और पानी में भी है, तो मैं आपको बैक कैमरा से एक बार दिखा रहा हूँ। दे दूंगा तो जा रहा है आगे और दिखाऊंगा आपको क्या होता है और क्या क्या सब मुझे दिखता है। आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर नाव का भी व्यवस्था है, लेकिन इस पे ये जो है ना नाव सिर्फ कपल्स के लिए ही सही है, क्योंकि इस पे दो आदमी बैठ के अपने पूरा जो है ना दोनों आदमी बैठ के पूरा घूम सकते हैं, और सिंगल के लिए कुछ नहीं है। यहाँ जो है ना रेस्टोरेंट है खाने पीने की, अगर इसमें आपको टहलते टहलते भूख और लग गया ना इसमें पूरा खा सकते हैं। चलिए आगे और दिखाते हैं आप सबको। शायद आपने जो है ना खोपचे वाला पेड़ नहीं देखा होगा, तो मैं आपको खोपचे वाला पेड़ दिखा रहा हूँ, आप सबको थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये देखो खोपचे वाला पेड़ कितना खोपचा है और कौन चीज का पेड़ है, मैं पूरा लास्ट तक इधर है साइड में। उसके खाने और उसके बाद उसके घर के अंदर में भी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ उसका खाने का व्यवस्था हो रहा है ऊपर में, और यहाँ भी दो कुंड में लगभग सब ये कौन सी जिराफ खा लेते हैं। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाने वाला नो एंट्री को तो फाड़ के जाऊंगा अंदर और आप लोग को दिखा रहा हूँ। वाओ क्या सीन है, कौन चीज है? हिरन है। इसका सींग देख रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ यार, पहचान भी नहीं पा रहा हूँ रियल में कैसा दिखता है। एक बार बहुत पहले आया था, उतना याद भी नहीं है कब आया था, मम्मी लोग के साथ आया था। देख रहे हो, अब जा रहा हूँ किसी दूसरे के पास। फ्रेंड्स आप लोग को पूरे जो है ना तीन जानवर दिखा दिया हूँ, और आगे अब जा रहे हैं और देखते हैं कौन सा जानवर दिखेगा। और इधर जो है ना मेरे, अगर मैं किसी चीज़ में कंफ्यूज हुआ हूँ तो आज फर्स्ट बार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये कौन चीज़ है आप लोग देख रहे हो, मैं बैक कैमरा। देख रहे हो कैसे हिल्ला काट रहा है यहाँ पे यार, इसको जानता है तीन चार जो है नाक है, पता है ना तीन चार नाक होता है। अच्छा कौन चीज़ है यहाँ लिखा, दरियाई घोड़ा। वो अच्छा यार दरियाई घोड़ा है, हिप्पोपोटामस जिसका जो है ना। वाह यार यहाँ क्या क्या सब लिखा हुआ है, ये लिखा है वे शाकाहारी होते हैं और रात के दौरान छोटी घास का भोजन करते हैं, वे प्रत्येक रात 9 किलोमीटर तक चल सकते हैं, 36 किलो घास खा सकते हैं। वाह यार इतना खाएगा तो फिर भूसा और दिया हुआ है इसमें। चलो एक और जानवर मिल गया आखिर, सांबर हिरन, हिरन है ना। बच्चे के साथ आते हैं तो खेलने के लिए पूरा व्यवस्था है, उधर भी है बहुत बड़ा। तो मैं तो अभी जानवर दिखाने का काम कर रहा हूँ और शाम हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो, तो अभी तक तो मुझे चार ही दिखा है, बहुत बड़ा है ना, ढूंढने में भी टाइम लगता है, तो आप लोग देखते रहो और बीच बीच में हम क्लिप डालते रहेंगे। पक्षी और यहाँ तालाब और भी है, बतख और है, और यहाँ देखिए जिसको जिसके पंख हो जाए ना बच्चे सब किताब में लेते हैं और सब लेते हैं आखिरकार, वही यही शाम के कारण जो है ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है के कारण जो सभी जगह का जो है ना प्रवेश द्वार जो है बंद कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो इधर प्रवेश द्वार बंद किया हुआ है। तो हम लोग जो है ना नेक्स्ट सैटरडे को जो है ना
आएंगे दिन को और लगभग 1 बजे के आसपास आ जाएंगे, तब पूरा क्लियरली बाघ और जो जो जानवर बचल है सब मैं आप लोग को दिखा दूंगा। इसका फाइनल वीडियो जो है ना नेक्स्ट संडे को आएगा, तो हम मैं और मेरा दोस्त निरंजन है बोलो। तो वीडियो को अगर आप लोग की इच्छा हो ना एंड कर दूँ।